बिस्मिल्लाह। आज का पहला टॉपिक है जी, या दोनों रिलेटेड हैं, इकट्ठा टॉपिक है जी। मेन हेडिंग है, पहले हेडिंग है डबल क्रॉसओवर, DCO उसकी एब्रिवेशन है। एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, DCO एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ से लिखा हुआ है, इसे जो कुछ लिखा हुआ है इसकी डायग्राम सेपरेट बनी हुई है। ये आगे पीछे इसने तक ठीक जगह भी नहीं दिखाई है, यहाँ पे इसने सिर्फ उनकी डिस्क्रिप्शन किया छोटी सी और डायग्राम आ गए हैं। याद रखिए, असूल सुन लीजिए, जोलॉजी और बॉटनी में, लाइफ साइंसेस में और बहुत हद तक केमिस्ट्री में भी डायग्राम के बगैर डिस्क्रिप्शन यूजलेस होती है। अगर डायग्राम नहीं है तो उस खाली डिस्क्रिप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू का मतलब मैं बता के देता हूँ। मेरा बहुत अरसे से यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है। अब वहाँ पे टीचर्स, अभी चंद दिन पहले ही डेथ हुई है, सलाम मिली है अभी, गुजारे बहुत बूढ़े थे। तो डॉक्टर सईद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सईद, बहुत अरसा जो है उन्होंने एग्जामिनेशन को कंट्रोल किया। उनकी वर्डिंग थी कि अगर बच्चे ने डायग्राम ड्रा नहीं की हुई है, फर्ज कीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें से पांच, अब ये समझे कि ऑल 5 नंबर का है, आपने 5 नंबर डायग्राम के काट लिए, बाकी 5 नंबर में से उसका नंबर दें जितना उसने लिखा, उसको सामने रखा। अब बच्चे ये समझते थे जी हमने तो, पंजाबी का एक स्टेटमेंट है बच्चे कहने, वो मैं तो पेपर गढ़ के आ गया हूँ। लेकिन जब नंबर आते हैं तो वो 25% 30% नंबर होते हैं बच्चों को। अब उसकी रीज़न जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब की वर्डिंग थी कि अगर बच्चे ने डायग्राम नहीं ड्रा की हुई है प्रॉपर, डायग्राम प्रॉपर बनी हो, प्रोपोर्शनेट हो, लेवल्ड हो, कम्प्लीट हो, नीट हो, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है, ऐसा नहीं है तो दोबारा नंबर कम होंगे उसके, और अगर है ही नहीं है तो 50% नंबर क्वेश्चन में से करते जी काटते। बल्कि मुझे याद है एक सिलेबस में क्वेश्चन होता था, उस क्वेश्चन में डायग्राम ज़्यादा थी, 4-5 डायग्राम थी, रिटन कम था। और कुछ बच्चे क्या करते थे, वो रिटन का एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ लेके आ जाते थे, कहते मैंने फॉल कर लिया। डॉक्टर साहब कहते थे कि इसके 80% नंबर काटते हैं और बाकी 20 में से नंबर के बनते हैं। अब 2 में से बच्चे को ज़्यादा एक नंबर मिलेगा, 1.5 मिलेगा, मैक्सिमम 2 मिल जाएंगे, ये सोच के हाल होती थी। और ये मार्किंग जो उनकी मार्किंग थी वो बहुत अच्छी थी, वो पता चलता था कि पेपर मार्क हुआ हुआ है। आजकल बहुत से लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, प्रॉपर मार्किंग जो है वो नहीं करते। बहरहाल हर तरफ, हर जगह पे हर तरह के पेपर्स मार्क करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आजकल वो सूरत हाल नहीं है जो बहुत पहले होती होती थी जी। अब इसको सामने रखते हुए डायग्राम अगले पेज पे आपको चुके मिल जाएगी, और डायग्राम से ये क्लियर होगा। मैं इसको अगले पेज पे लेके जाने लगा हूँ ताकि पहले आप इसकी डायग्राम देख लें, ताकि वो आपके सामने आ जाए कि होता क्या है और कहाँ पे होती है। आपने सबसे पहले इस डायग्राम को देखना है। याद रखिएगा, सहूलत की खातिर क्रोमोसोम सिंगल सिंगल दिखाए गए हैं। इसमें जीन कैपिटल ABC, स्मॉल ABC है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ए और बी के दरमियान में हो रही है, ए क्रॉसिंग ओवर। दोबारा नोट कीजिएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंगल सिंगल क्रोमेटिन दिखाए गए हैं, 2 की बजाय, ठीक है। इसका रिजल्ट ये निकलेगा, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रही है, तो ये रिजल्ट अगले पेज पे आ जाइए। यहाँ पे एक बार फिर आपको 2 चीज नजर आएंगी, इसको देखिए, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रही है, ये इसका रिजल्ट है। ये भी सिंगल क्रॉस ओवर था, जो बैक पेज पे था वो भी सिंगल था, यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर हुई है। पहले क्रॉसिंग ओवर ए और बी के दरमियान में है, ये एक्स बना हुआ है, दूसरी बी और सी के दरमियान में है, ये एक्स बना हुआ है। इसका रिजल्ट ये निकलेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब ये जो आपने डायग्राम देखी है, ये वाली और बैक पेज वाली, मैं वापस बैक पेज पे जा रहा हूँ, ये वाले ये आपने देख ली। अब आप यहाँ पे आ जाए, ये कम्प्लीट डायग्राम है, लेकिन इसमें एक खामी है। यहाँ पे क्रोमोसोम दोनों पूरे दिखा रही हैं, चेक आप फॉलो कर सकते हैं, ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम या सिमिलर जीन्स कैपिटल ए। इसमें गलती क्या की इसने, कैपिटल ए और सी दिखा दी है, और दरमियान में जो बी जीन है वो नहीं लिखी, यहाँ कैपिटल बी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ स्मॉल बी और यहाँ भी स्मॉल बी जीन मौजूद होगी, जो कि नहीं लिखी गई हुई है, ये मिस्टेक है इसके अंदर एक। ये डबल क्रॉस ओवर है, और ये डबल क्रॉस ओवर जो यहाँ दिखाया गया है, ये क्रॉसिंग ओवर की सबसे सिंपल टाइप है। बल्कि जो क्रॉसिंग ओवर आपने देखी है सारी की सारी, इसमें जो 2 क्रोमोसोम थे उनके जो ये वाली तस्वीर के लिहाज से जो दरमियान में है 2 टांगे, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इसमें भी तस्वीर में ऐसे ही हो रहा है, और इसमें भी
कि ऐसे ही हो रहा है, ये अभी फर्ज करेंगे दोनों दरमियानों टांगे हैं, अगर हम चारों टांगे दिखाएं तो चारों टांगों में कई तरह से क्रॉसिंग हो सकती है। इस पहले क्या चीज हो सकता है, इसके नंबर में कर रहा हूँ, ये नंबर वन टांग है, ये उसके बाद जो ये वाली नंबर टू है, ये नंबर थ्री है, ये नंबर फोर है, इसमें तमाम क्रॉसिंग ओवर टू और थ्री में हो गए। वन का थ्री से भी हो सकता है, टू का फोर से हो सकता है, वन का फोर से हो सकता है, यानी इसमें तीन चार मुख्तलिफ ऑल्टरनेट पॉसिबल है जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर इसमें जिस तरह से हो सकती है उनको। हाँ ये भी हो सकता है कि ए और बी के दरमियान में जो क्रॉसिंग ओवर है वो यहाँ पे हो जाए वन में और थ्री में, और जो नेक्स्ट वाला है सी और बी के दरमियान क्रॉसिंग ओवर फर्ज कीजिए टू और फोर में हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। वो कॉम्प्लिकेशन है। अब तस्वीरों को देखने के बाद बैक पेज पे आ जाइए और अब इसको पढ़ के, क्योंकि अब आप इसको पढ़ सकते हैं, टू स्टैंड थ्री स्टैंड फोर स्टैंड, अगर दो स्टैंड इन्वॉल्व हैं तो वो टू स्टैंड डीसी है, अगर तीन स्टैंड इन्वॉल्व हैं तो वो थ्री स्टैंड है, अगर चार स्टैंड इन्वॉल्व हैं तो वो फोर स्टैंड डीसी शुमार होगा। बहरहाल ये है जी इसकी मुख्तलिफ टाइप्स, इसने यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिए हैं, तस्वीरें नहीं है, मैंने बता दिया कि उसी ने कैसे होम की। ये है जी ऑल अबाउट डबल क्रॉस ओवर। डबल क्रॉस ओवर खबर सादा वाले क्यों ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम जीन मैपिंग के लिहाज, और उसके लिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसी का हिस्सा है। इलेवन हेडिंग दिया है जी थ्री फैक्टर प्रोसेस, कार्बन के अंदर भी ठीक है ये वाला, बिल्कुल कार्बन में उसने लिखा थोड़ा काम हुआ है, लेकिन उसकी एक खासियत है कि उसने उसमें एक एक्चुअल एग्जाम्पल भी दी है, इलेवन ने एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं दी हुई फर्जी एग्जाम्पल के साथ। कार्बन ने एक्सप्लेन किया है फर्जी एग्जाम्पल के साथ जैसे उसने किया हुआ है, और आखिर में उसकी एक एक्चुअल एग्जाम्पल भी दी गई है, और उस लिहाज से वो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जो ज्यादा वजाहत है वो इल्मे के अंदर, मैं इसलिए भी सीख रहा हूँ। अब याद रखिएगा थ्री फैक्टर प्रोसेस का मतलब है ए बी सी तीन जीन, या तीन जीन पे यहाँ पे, फिर याद रखिएगा ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल बी सी है, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है, पहली पॉसिबिलिटी ये सॉरी चार पॉसिबिलिटीज है, वही पहली पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, ए बी सी जीन्स वैसे के वैसे हैं, देर इज नो क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर नहीं होती है इसका रिजल्ट ये निकलेगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, इसको यहाँ पे इसको जोड़ना चाहिए था, इसलिए क्रोमोसोम जुड़े नहीं हुए, जैसे इस डायग्राम में जुड़े हुए इनको ऐसे जुड़ा होना चाहिए पहले डायग्राम, पहली पॉसिबिलिटी नो क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो ये ए बी सी जैसे थे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी अलग और स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और हो रही है ए और बी के दरमियान में, अगर ए और बी में क्रॉसिंग ओवर में पहले बता चुका हूँ कि चार में से सिर्फ दो टांगें दिखाई गई हैं, जो सबसे आसान प्री क्रॉस ओवर है वो दिखा दिया है, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं दिखाई गई। अगर ये क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो रिजल्ट निकलेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी, ये याद रखिएगा इसको यहाँ पे ऐसे ही दिखाना चाहिए जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये क्रॉसिंग ओवर से पहले है और ये आफ्टर क्रॉसिंग ओवर है, बिफोर क्रॉसिंग ओवर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, इसमें नो क्रॉसिंग ओवर ना दिखाना पहले नंबर, ये रिजल्ट है एक्चुअली, ये हो गया जी पहला। अगले पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड सी, इसको रीजन टू कहेंगे, जो यहाँ पे था वो रीजन वन क्रॉसिंग ओवर है, इसको रीजन टू क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ये भी क्रोमोसोम यहाँ पे जुड़े होने चाहिए थे, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी, ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर डबल क्रॉस ओवर यानी ए और बी में क्रॉसिंग ओवर हो जाए और बी और सी में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दो एक्सचेंज स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसका रिजल्ट कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये इसका रिजल्ट निकलता है डबल क्रॉस ओवर का। ये जो कुछ हमने देखी है तीनों डायग्राम्स, ये इस्तेमाल की जाती हैं, और इससे जो रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं जब हम एक जेनेटिक मैप तैयार करते हैं, क्योंकि हम कल पढ़ चुके हैं कि अगर सिंगल क्रॉस ओवर के साथ हम जेनेटिक मैप तैयार करें उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक आती है, जब हम दो जीन पे इसकी बजाय तीन जीन पे, जैसे कि हमें बड़ा इसको एलवी ने जो नाम दिया है वो थ्री पॉइंट क्रॉस के नाम से, इसमें मिस्टेक या एरर के चांसेस कम होते हैं, यानी उससे कम एरर हो जाती है, अगर इससे ज़्यादा करें तो कैलकुलेशन
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल मिस्टेक और कर, उस ज्यादा की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत पेचीदा हो जाती है। अब इल्मी ने अगले पेज के ऊपर इसकी फर्जी एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन की थी, जो हम देख चुके हैं। ये फर्जी एग्जाम्पल है बगैर वजाहत से। रिकरेंट फ्रीक्वेंसी एट रीजन वन, रीजन वन की वजाहत हो चुकी, ए और बी के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर जो कि सिंगल क्रॉस ओवर हो गए हैं ए और बी के दरमियान में, प्लस डबल क्रॉस ओवर, दोनों की वैल्यू जमा होंगी डिवाइड बाई टोटल इन टू हंड्रेड। इसको इसने एक्स एम यू का नाम दिया, एक्स मैप यूनिट आंसर आया। ये परसेंट फ्रीक्वेंसी निकली है रीजन वन में। ये सिंगल और डबल को क्यों जमा किया, इसमें भी पहले दूसरा देख लीजिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एट रीजन टू यानी बी और सी के दरमियान में, सिंगल क्रॉस ओवर प्लस डबल क्रॉस ओवर की वैल्यू दोनों जमा हो रही हैं उसके, और टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, तो वाई एम यू। जब मैप तैयार करेंगे तो ए और बी, ए और बी में फासला एक्स एम यू है जो पहले वाला था, और बी और सी का जो फासला है वो वाई एम यू, वाई मैप यूनिट्स इसके बराबर। अब ये दोनों क्यों जमा किए गए हैं, इसके लिए वापस बैक पेज पे आएंगे, हम देखेंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। हम यहाँ से शुरू करें। ये रीजन वन है, इसमें ए और बी में क्रॉसिंग ओवर हुई। अभी हम सिर्फ दो जीन को देखें, जब ए और बी में क्रॉसिंग ओवर हो तो कैपिटल एक साथ स्मॉल बी और स्मॉल साथ कैपिटल बी आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई है। एक पॉइंट, अगले पेज पे आ जाइए, अगले पेज पे सेपरेट बनी हुई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी रीजन वन में क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसमें भी कैपिटल एक साथ स्मॉल बी, स्मॉल कैपिटल बी, इसका मतलब है जो कुछ वो बैक पेज पर हमने देखा था यहाँ पे वही कुछ यहाँ भी हो रहा है। चुनाचे उसकी वैल्यू जो पिछले पेज पे है और इसकी वैल्यू दोनों जमा होंगी तो ए और बी का पूरा क्रॉसिंग ओवर का जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर निकल आएगी। ऐसे ही यहाँ बी और सी की परसेंटेज, यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इन दोनों को जमा करेंगे तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट निकल आएगा, और ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसके नतीजे के तौर पर एक अच्छा मैप तैयार होगा। यहाँ पे ए और बी का फासला और आगे बी और सी का फासला, ये वो मैप बन जाएगा, इसमें मिस्टेक कम से कम होती। हमारा टॉपिक फर्जी एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट हो गया। कारवान, अगर आप में से कोई कारवान की तस्वीर भेज सकता है, कारवान में एक्चुअल उसने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको, और एक्चुअल एग्जाम्पल भी दी गई है। मैं उसका पेज नंबर आपको बता देता हूँ, अगर आप इस वक्त वो सेंड कर सकते हैं तो जी। ये है जी पेज नंबर, इसका है 111, 112, और 113। ये तीन पेजेस हैं जहाँ पे जी सर मैं कर देती, जहाँ पे इसने दिया हुआ है जो इसकी एक्सप्रेशन। लेकिन इसकी खामी क्या है, इसमें डायग्राम नहीं है। कार्बन ने लंबा छोटा लिख दिया है लेकिन उसने डायग्राम ड्रॉ नहीं की, उसको यहाँ पे साडा सिर्फ जेनेटिक मैप दिखाया है, उसकी डायग्राम मौजूद है। एक्चुअल एग्जाम्पल सिर्फ यह इसमें खान को भी है, उसने एक्चुअल एग्जाम्पल साथ दे दिए। अब वो भेजेंगे तो उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेट यू सी। उसके बाद अभी ये टॉपिक रहता है, अभी ये भी एक्सप्लेन करना है आपको। या यूँ कीजिए, अभी टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम है, अगर ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ पहले, उसके बाद आप, या अगर आप भेज सकती हैं सुनते भी रहें और वो पेज भी भेजें ताकि उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए जी। हेडिंग है जी हमारा नेक्स्ट, इसमें इंटरफेरेंस एंड को इंसिडेंस। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, इंटरफेरेंस मुदाखलत करने को कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है एच जे मुलर, 1916। इसने नोट किया कि सिंगल क्रॉस ओवर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डबल क्रॉस ओवर बहुत कम होते हैं, क्यों ऐसा क्यों? तो इसने इस चीज़ को टेक्निकल टर्म के साथ एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि जब एक जगह पे रीजन वन में फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो रीजन टू में होने वाले क्रॉसिंग ओवर को कम कर देती है, उस कमी को ही उसने इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया। इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड प्रपोज किया गया वो ये है, इसमें नया लफ्ज आपके लिए है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, और उसका फार्मूला दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जो परसेंटेज होता है इज इक्वल टू ऑब्जर्वड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसओवर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसओवर, ऑब्जर्वड और एक्सपेक्टेड। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में आपने जेनेटिक्स के चैप्टर में प्रोबेबिलिटी और जूलॉजी सेमेस्टर 1 में भी मैंने प्रोबेबिलिटी बयान की थी, किस चीज के होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसको हम परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, कई तरीकों से शो कर सकते हैं। अब रीजन वन में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस, जितना क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके होने के चांसेस हैं, जितने परसेंट हुए हैं, रीजन टू में कितने परसेंट हुए, अगर हम उन दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दें
डबल क्रॉसओवर की परसेंटेज निकलनी चाहिए, वो परसेंटेज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो, ऑब्जर्व जो एक्चुअल हुआ है वो और एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए था। जब दोनों को डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोसाइन्स। इसका ऑपोजिट अगले पेज पे आ जाए, आखिरी टर्म है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आई हुई आ सकती है, इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोसाइन्स। अगर एक में से कोएफिशिएंट ऑफ कोसाइन्स की वैल्यू निकाल दें, जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो इंटरफेरेंस। याद रखिए जब हम 1 कहते हैं तो 1 का मतलब 100% है, जब 0 कहते हैं तो 0% है, अगर वैल्यू 0.5 हो तो उसका मतलब होगा 50%। अब इसने यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आपका आंसर 0 और 1 के दरमियान में आ जाए, 0 और 1 के दरमियान जो आपका मतलब ये मोर देन 0 है, ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस है। जो फर्स्ट कीजिए आंसर आया, सपोज कर रहे हैं आंसर आया है 0.6, तो उसका मतलब होगा 60% इंटरफेरेंस होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर आंसर 0 और -1 के दरमियान में आ जाए, यानी लेस देन 0, तो उसको कहेंगे नेगेटिव इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस कम की बजाय ज़्यादा हो गया। और आखिरी पॉइंट, अगर इंटरफेरेंस की वैल्यू 1 हो तो उसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ा है, जितने होने चाहिए थे, जितने ऑब्जर्व हैं एक्सपेक्टेड दोनों इक्वल। ये 3 केसेस आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। वेल, ये टॉपिक मुकम्मल हो गया और वो स्टूडेंट कह रही है उसने भेज दिया, तो मैं इसको पॉज करके निकाल लूँ। जी, एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ है, इसमें जीन्स यहाँ पे दी गई हैं, सी कलर्ड एल्यूरोन का नाम आ चुका हुआ है, और एफ या फुल एस एच के लिए शंकन और फुल, और लास्ट वन है वैक्सी या नॉन वैक्सी एड्रेस वन के लिहाज से ये जीन्स के नेम्स हैं। उसने ये एक्चुअल वैल्यूज दी हुई हैं, इन वैल्यूज को उसने उसमें पुट किया है इक्वेशन के अंदर, और जो आंसर निकला है वो यहाँ पे शो कर दिया है। आंसर को दोबारा चेक कर लीजिएगा, सी और एस एच में 3.5% आंसर उसका आ रहा है, ये वैल्यूज पुट करके जो उसने दी हुई हैं, और एस एच और वैक्सी के दरमियान में 18.4% उसका आंसर आ रहा है। और इसने आखिरी वाला भी दिया हुआ है जो कि इल्मी के अंदर मौजूद नहीं था, इसने फर्स्ट और लास्ट जीन सी और डब्ल्यू एक्स सी जो जीन्स हैं इसके अंदर 21.7%। आप इन दोनों को जमा करेंगे तो जो टोटल आंसर आएगा वो इतना होगा 21.7। उसने वो तीनों कैलकुलेशन करके निकाल के मैप जो है वो बहर पहले और दूसरे जीन से निकलेगा, लेकिन उसने जो फर्स्ट और लास्ट जीन में जो क्रॉसिंग ओवर हुई है उसका जो आंसर आ रहा है उसके साथ उसको टैली भी कर दिया है, मैच कर दिया है। बहरहाल इस तरह से जो मैप तैयार होता है उसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि उसमें एरर कम होती है, और सिंगल क्रॉस ओवर मैप के अंदर एरर बहुत ज़्यादा होती है। हमारा आज का टॉपिक कम्प्लीट हो गया जी। अब इस सिलसिले का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक को टच किया है रामे ने, लेकिन